तारू भी बंदे निकल नहीं सकते। सर एहो जी घूमण घेरी अगले ने पसाया कि तेरा दादा भी साड़ियां परिक्रमा करता रहा, तेरा पड़दादा भी साड़ियां परिक्रमा करता रहा, तेरे प्यो ने भी साड़ियां परिक्रमा कीतियां, ते काका तेनू भी साड़ियां परिक्रमा करनिया ही पैनिया ने, ते करवाउंदे ना अगले जड़ियां मर्जी तू आजादी दियां गल्लां कर, बनन अगलिया तुहानू अपने खुंड नाल उत्थे लिया के अगले उत्थे तुहानू सरोपा दवाउणा जिथे कदी KPS गिल नू सरोपा दवाया सी, जिन्हें पंजाब की नौजवानी का घाण उच्ची बोलो प्यारे हुण कीता सी। ये तुहानू अखां खोलणियां पैणियां, मैनू पता इहदे बारे बहुते रागी रागी प्रचार तां हुण हवा वेख के पोस्टां पाई जांदे बल्ले बल्ले बल्ले, कोई सोच अपनी बदलो, विचार अपने बदलो, अपने बच्चों नू पढ़न लिखण वाले बने लाओ। अज जंग विचारां दी आ, टेबल टाक दी जंग आ, टेबल टाक दी जंग आ। हथियार तां दूजिआं कोल भी बहुत हैगे आ, हथियारां दी कीहड़ी गल्ल है, हथियार तां यूपी जाओ 25-30 हज़ार दा गट्टा जिहा लैओ जिथों मर्जी, आ जिहड़े बहुते पंजाब च इहो ही तुरे फिरदे आ, जिहड़े जिहदे मर्जी दुकान ते लिआ के ते मार के ते गांह जांदे आ। हथियार अमेरिका च नहीं है, जाके USA वेखो, उत्थे ते इत्थे ते फिर भी तुहानू लैण लग्गिआ 100 ओड़ पोड़ करना पैणा, उत्थे तुसीं जिहड़े मर्जी स्टोर तों जाके खरीद लो। आए दिन कोई ना कोई स्टोर से घटना नहीं वापरती, उसे कोई ना कोई अपने मेरे ख्याल महीना नहीं लंघता कोई ना कोई घटना वापर जाती। उसे सियाने बनना पैना सानू, जिहड़ी गुरु साहब जी ने जंग बख्शिश की सी विचार, कभी पढ़ के तो वेखो भाई गुरदास जी को, कभी गुरमत वाला पक्ष से जाण के वेखो, हथियार रखे ने गुरु साहब जी ने, हथियारों तो कोई मना नहीं करता, पर हथियार हथियार च एक फर्क होंदा ना, की फर्क होंदा भला, ज्यों कल खूह निकलिया कल बदे पानी, ज्यों मन काले सप सिर हस दे ना जानी, ज्यों मूँह भन्ने गरी दे नलीएर निशानी, तेल तिलों को निकलै विण पीड़े कहानी, त्यों वेमुख लोहा साधिए वगदी वधाणी। ये दलीलां दित्तियां भाई साहब ने, कहिंदे जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने शस्त्र रखे तो कईयां ने चर्चा की भी शस्त्र क्यों रखे ने, तो उत्थे पातशाह जी ने जिहड़ी गल कही भाई गुरदास जी ने बड़ी प्यारी दलील दित्ती, कहिंदे जे खूह चों पानी बाहर कढ़ना होवे ना तो बाल्टी के कुंडे नूं घुट के रस्सा पाउणा पैंदा, एक पक्ष है, फिर जाके बाहर आउंदा। हुण तुसीं नारियल खाणा ते तुहानूं उहदी गिरी भन्नी पैणी है, हुण जे तुसीं तेल चाहुंदे आ भी तुहाडे घर तेल आवे, तुहानूं कोहलू दे उत्ते उह तिलां नूं लै के जाणा पैणा, तो पीड़ने पैणे आ, फिर जाके उहदे विच्चों तेल निकलेगा, फिर तुहाडे घर चानण होएगा। सारियां दलीलां दित्तियां, सिख दे कोल हथियार हैगे च कोई शक नहीं आ, पर पता किदां, जिवें डॉक्टर कोल हुंदे आ, तुहाडे कोई वैसे इदां तुहाडी हड्डी नूं टक लावे तो छब्बी का परचा वा, तुहाडा कोई दंद तोड़ देवे वैसे तो छब्बी का परचा सिद्धा ही, तां ही तुसीं अगले भी फिर छब्बी का परचा बना लैंदे सी, उह भी कोई ना कोई अपनी हड्डी नूं टक लांदे वी, दोवां बन्ने छब्बी होएगी तो राजीनामा हो जाएगा। अपने पंजाबियों कोल इहो जिहा हुए च, ते अपने पंजाबियों ने PhD की आ ना, क्योंकि ये तो अजे सवेरे चंडीगढ़ नूं बसां जांदियां, इन्हां विच्चों स्टूडेंट तुहानूं घट मिलने आ, ते परचियां वाले वध मिलने आ, कोई वट तो लड़ पिया, कोई वैस वलों लड़ पिया, निक्की निक्की गल ते साडे झगड़े कलेश चलदे सब पता ही सारिआं नूं। हुण गल की सी, जिहड़ी गल इत्थे सानूं भाई गुरदास जी दस रहे, हथियार ते डॉक्टर कोल, हुण तुहाडा कोई दंद लड़ाई 'च तोड़ देवे ते आपां उत्ते छब्बी दा परचा कराउने आ, पर एक चीज़ होर नोट करके वेखो, जिहड़ा दंद तुहाडे दर्द करदा होवे डॉक्टर कढ़दा, तो आप जान लगे उहदा धन्नवाद करते हैं, डॉक्टर साहब तुहाडा धन्नवाद, उहदे भी हाथ कई बार खून नाल ऐ लत्त पत्त हो जाते हैं, उहदे हत्थां नूं भी खून लगता, जो डॉक्टर तुहाडी ऑपरेशन करता चीरफाड़ करता, कि डॉक्टर दुश्मन है साडा, नहीं, डॉक्टर ने तुहाडी बॉडी विच्चों ओह चीज़ बाहर कढ़ी है जिहड़ी तुहानूं तंग करती सी। डॉक्टर दे हाथ विच फड़े हुए तेज़ हथियार तुहानूं जिंदगी दिंदे आ, दुश्मन के हाथ में फड़े हुए तेज़ हथियार जिहड़ा जिहड़ा विरोधी सी, जिहड़ा धाड़वी सी, उन्हें माँ का पुत चंगा भला स्टोर से काम करता हसदा वसदा घर उजाड़ के रख दिता। सिखां दे कोल पर वो किसी का नुकसान नहीं सी करते, किसी का घर तबाह नहीं सी करते, अज दुश्मन चाहता तुहानूं मार ली, इन्हां नूं बहाना तो चाहिए ना कोई, वो कहिंदा बहाना बनावा तो मैं इन्हां नूं मारा, तो लगातार किन्ने साल पंजाब दे विच बरातां नहीं चढ़ियां, बजुर्गों नूं सारा पता होना, किन्ने साल किन्ने साल, क्योंकि नौजवान छड़िया कोई नहीं सी, आते हुण फिर पनीरी पुंगरी आ, तो कहिंदे फिर पुंगरी, इन्हां नूं किसे बहाना बनाओ कोई, तो इन्हां नूं एक बारी उत्तों कतर दिए,
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਛੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਜੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ।